अरे बाप रे, आप कहाँ से आ गए? दर्प नारायण को देखकर मैं आपसे पहले ही छुप गया था यहाँ पर। अच्छा, तो आप प्रतापपुर जाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रतापपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, लगभग 5 किलोमीटर होगा ना? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा है, कम से कम 8 किलोमीटर तो होगा ही। अरे क्या कह रहे हैं आप? लगी शर्त? आप इसे लेकर शर्त लगाना चाहते हैं? बिल्कुल, 100 रुपए राजी। राजी? वो देखिए, वो देखिए, माइलस्टोन, प्रतापपुर 5 किलोमीटर। अरे क्या आप सच में मान रहे हैं? अरे अरे, ये तो एक मजाक था बस। हाँ हाँ, सच में मैं शर्त को लेकर कभी मजाक नहीं करता। अच्छा, अब आप बताइए कौन सा पहले उड़ेगा? हा? वो देखिए, कौन सा कौवा पहले उड़ेगा? ये भी शर्त है क्या? आप राजी है क्या? तो फिर ये भी शर्त है। दाहिने तरफ वाला पहले उड़ेगा, 1000 रुपए की शर्त। अरे ठीक है, 5 मिनट में ही एक कोयल बोलेगी, लगी शर्त। राजी हूँ, लेकिन अब मेरे पास और पैसे नहीं है। अरे कंधे पर बैग तो है ना, मेरी शर्त 4000 की है और आपकी ये बैग भी। ठीक है, यही सही। नशा नशा, दर्प नारायण को शर्त लगाने का नशा था, उसी वजह से हर कोई दर्प नारायण से मुंह फेर लेता था, अब समझे? ओह अच्छा, वो तो हर चीज में शर्त लगाते थे ना? हर चीज में शर्त। एक बहुत ही चालाक इंसान ने दर्प नारायण को मजा चखाने के लिए एक बार शर्त लगाई थी। साहेब सुनिए, साहेब मैं शर्त लगाता हूँ, कल सूरज पूरब से उगेगा, आप शर्त लगाएंगे क्या? कितने रुपए का शर्त लगाना चाहते हो तुम? 50। नहीं 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 नहीं, 1 लाख। 1 लाख? ठीक है, 1 लाख का शर्त, कल सूरज पश्चिम से उगेगा। क्या कह रहे हैं? दर्प नारायण ने शर्त लगा ली कि सूरज पश्चिम से ही उगेगा। पागल था क्या वो? क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? सुनोगे तो चौंक जाओगे तुम भी, दर्प नारायण कभी शर्त नहीं हारा। हाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सूरज पश्चिम से उगेगा, ये शर्त भी? किस्मत किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ था वो दर्प नारायण। उस दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। चलती रही अगले दिन रात तक, उस वजह से शर्त का फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि पता ही नहीं लग पाया कि काले बादल की उस ओर सूरज किस तरफ से उगा था। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। उस महल का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता था, बड़े से बैठक में लाइन से लगा होता था शतरंज और पाशा का बोर्ड, खुला पड़ा रहता था ताश का पैकेट। हरिप्रसाद हरिप्रसाद। जी साहब। चारू, नागा, सिद्धू, पपलू, पिकलू, कोई लौटा नहीं अब? नहीं साहब, सुबह से गए हुए हैं, अब रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक वो एक खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए। वो साहब आसपास के 10 कोच तक कोई भी आपके साथ खेलने के लिए राजी नहीं होगा। तो फिर तू आज मेरे साथ दांव खेलेना। साहब मैं? हाँ तू ही, चल बैठ बैठ बैठ। मेरी शर्त बाएं पैर की छोटी उंगली। खेल तैयार होने पर भी
दर्प नारायण को कोई खिलाड़ी नहीं मिलता था। अपने नौकर चाकर के साथ वो खेलता था। उससे शर्त हार कर सब कुछ लुटा कर खुद को शर्त पर लगा कर हारने वाले सारे लोग। और सब कुछ लुटने के बाद वो क्या शर्त लगाते थे? तब शरीर का हिस्सा, जैसे हरि प्रसाद ने खेल शुरू ही किया था अपने बाएं पैर की छोटी उंगली से। My God, अच्छा मैंने सुना था कि यहाँ पर अब भूत भी है। हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर अब उस भूत के बारे में बताइए, किसका भूत है वो? तुम डर जाओगे बच्चे। नहीं 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 डरूंगा, नहीं डरूंगा। लगी शर्त। दर्प नारायण की तरह ठीक है, लगी शर्त। मेरा शर्त है मेरा सर, ठीक है? ठीक है, शर्त मेरा सर, मैं नहीं डरूंगा। बताइए कि हम लोग भूत से कितनी दूर हैं? उसी भूत के पास पहुंच गए हो तुम, और थोड़ी थोड़ी दूर बस दर्प नारायण की आखिरी शर्त। दर्प नारायण के नौकर चाकर अब कोई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ तो मर गए हैं और कुछ तो भाग गए यहाँ से। तो फिर खिलाड़ी? वही तो असली कहानी है बच्चे। कोई नहीं, कोई नहीं है। क्या कोई भी नहीं है जो मेरे साथ एक दाव खेलेगा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आओ आओ, हिम्मत है तो मेरे साथ एक दाव खेल कर जाओ। आ जाओ। कौन है आप? पहचान की क्या जरूरत है, तुम्हें तो सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए ना। चलो खेल शुरू करें। जरूर जरूर, आइए आइए। दाहिने तरफ की छिपकली पीछे हट जाएगी। कमल हीरा? लेकिन मेरे पास तो इतना बड़ा कमल हीरा नहीं है, क्या करूं मैं? क्या दाव लग रहा है वो बड़ी बात नहीं है, दाव ही बड़ी बात है। दाहिने तरफ की छिपकली पहले पीछे हट जाएगी। बाईं तरफ वाली पीछे हटेगी। चलो अब शतरंज खेलते हैं, ठीक है? अब मेरी शर्त है ये चमगादड़। नहीं 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 नहीं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है शर्त लगाने के लिए। सब कुछ तो आपने जीत लिया है। है जरूर कुछ ना कुछ है। सोचो सोचो सोचो, अब क्या ही बचा है मेरे एक सर के अलावा? ठीक है, मैं दाव लगाता हूँ कि मैंने जो कुछ भी जीता है वो सब कुछ सब और साथ में ये कमाया हुआ हीरा। तुम दाव पर लगाओ अपना ये सर जो अभी अभी उस लकड़ी को पकड़ कर लटक जाएगा। लगी शर्त, ये चमगादड़ अभी निकल जाएगा। जा 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 जा, भाग जा यहाँ से। अरे जा ना, अरे जा ना, अरे जा 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 ना। जीत गया, जीत गया। दो, 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 दो। तुम्हारा ये सर मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, नहीं। अपनी जीती हुई चीज तुमने कभी छोड़ा है क्या? हा? छोड़ा है? नहीं नहीं छोड़ा। मैं भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ूंगा। तो फिर एक ही शर्त थी जो दर्प नारायण हार गया था, और उसी में उन्हें अपना सर गंवाना पड़ा था ना? अजीब है। ये
यही तो जिंदगी है। मैंने सुना था कि यहाँ पर सरकटे भूत दिखाई देते हैं, इसीलिए आया था। यहाँ आकर आपसे मिलने के बाद आपने कहा था कि आप मुझे भूत से मिलवा देंगे। कहाँ है आपका भूत? सरकटा भूत। यही तो जिंदगी है। वो डर गया, वो शर्त हार गया। हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया।